ज्योति तो मैं कह रही थी बारिश आने वाली है और बारिश आ गई तो हम लोग पहुंच गए नारायण बैंक्वेट हॉल पे। यहाँ वेलकम बैक टू जितना हमें ब्लॉग्स, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ और बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग तो मैं स्टार्ट कर रही थी लेकिन ना मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। तो बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आई जस्ट होप आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मेरा भी पीरियड्स टाइम चल रहा था तो आज है तीसरा दिन। नहा धो के सुबह अपना सारा काम वगैरह करके ये मैं बैठी हूँ महारानी के साथ है ना। हाय गाइस बोल दो फिर। चलो कैसे बोलते हैं? हाँ तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ ज्योति धामे व्लॉग्स पे। तो मैं आई हूँ अभी नीचे वाले रूम पे क्योंकि आज आना है हमने निमंत्रण में मार्केट की तरफ को, और मैं और विनोद जाएंगे, अभी विनोद आएंगे कोचिंग से तो मैं हो जाती हूँ रेडी उनके आने तक। उसके बाद हम जो चलेंगे सीधे जहाँ मैं जाना है। और आज मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं पता नहीं 10 या 12 दिन बाद आज वीडियो शूट कर रही हूँ। तो एक वो एक रिदम होता है ना, जब आप रेगुलर वीडियो बनाते हो, रेगुलर कैमरा फेस करते हो तो आपका एक रिदम होता है, एक रिदम बने रहता है। तो ऐसे आप कैप कर देते हो तो थोड़ा हेजिटेशन तो नहीं बोलूँगी बट थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। तो बट इट्स ओके, आ जाऊंगी दो दिन के अंदर नहीं, अभी सेकंड ब्लॉग में आ गई मैं अपने रिदम में। मेरे को जाते तक टाइम नहीं लगता अपने ट्रैक पे आने में। तो अभी मैं होती हूँ रेडी और उसके बाद हम निकलेंगे घर से। मौसम भी काफ़ी बारिश आने वाला हो रखा है, वैसे अभी तो बारिश नहीं आई, अभी थोड़ी देर पहले अचानक से बारिश आ गई थी। खाली मेरे कपड़े भिगोने के लिए, अच्छे खासे सूख रहे थे मेरे कपड़े, दो सेकंड के लिए आई और कपड़े भिगा गई। बट ठीक है, अभी मैं होती हूँ तैयार, उसके बाद निकलेंगे घर से। समझ नहीं आ रहा पहनूँ क्या, तो अच्छे कपड़े पहन के जाती हूँ ताकि मैं जाऊँ तो फिर मैं एक दो रील भी बना लूँ। तो अभी देखती हूँ, प्लान करती हूँ कि मैं क्या पहन सकती हूँ। ठीक है, साड़ी पहन लूँ। वैसे ये दीदी की साड़ी है, मेरी नहीं है, बट इसका ब्लाउज जो है ना ऐसे ये ऑफ वाइट का, और दीदी का ब्लाउज मुझे आता नहीं है। तो क्या कहते हैं, देखती मैं ट्राई करती हूँ इसमें ब्लैक पहनूँ या फिर ये ब्राउन कलर का। ये वैसे मैंने ना विनोद के बर्थडे के लिए बनाई है ये साड़ी, विनोद का बर्थडे आने वाला है तो मैं पूरा तो आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी सिर्फ ब्लाउज ही ब्लाउज। वैसे ये टॉप जाता है इसमें ग्रीन कलर में बहुत अच्छा, लेकिन ना ये टॉप है मैं ऐसे ना अभी क्योंकि एक फंक्शन में जाना तो वहाँ ऐसे पहन नहीं सकती, नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए तो मैं पहन लेती, बट अभी इनको ही ट्राई करती हूँ मैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने जो ब्राउन वाला दूसरी वाली साड़ी का ब्लाउज था ना वो पहन लिया है क्योंकि यही ठीक लग रहा था, उसमें ब्लैक वाला नहीं जा रहा था। और सर भी आ गए, अभी हम निकलेंगे घर से जहाँ हमें जाना है, उसके बाद भी हम कहीं जाएंगे। तो ब्लॉग पूरा देखना है, बने रहिए मेरे साथ ज्योति धामे ब्लॉग्स पे बहुत दिनों बाद। तो निकल रहे हम घर से और मिलती हूँ सीधे वहीं पहुंचने के बाद जहाँ हम जाने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच गए नारायण बैंक्वेट हॉल पे, यहाँ है पानी तो हम दोनों आए इधर। आज के ऊपर सबसे पहले हम लोग आए खाना खाने के लिए, उसके बाद लगाएंगे टीका। तो खाना खा लेंगे पहले, हम खाना लेके आ चुके हैं हम, सही है ना, खाने के लिए दिखा। तो हमने खा लिया खाना और आज मैंने दही जलेबी भी खाई, बहुत टाइम बाद मजा आ गया मेरे को दही जलेबी खा के। टीका वीका लगा के खाना वाना खा के हम निकल गए हैं बाहर और अभी हम चलेंगे मार्केट को। हमारे शहर पिथौरागढ़ एचओली के पास लगा है सावन महोत्सव, तो वहां से निकलने के बाद ना हम लोग यहाँ आ गए। मैंने कहा एक बार जाके आते हैं अंदर, और छोटा सा मेला लगा है, ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि यहाँ पे छोटी सी जगह है। तो एक बार जाते अंदर देख के आते क्या क्या सामान, कुछ अच्छा मिल जाएगा तो हम भी ले लेंगे, है ना।
और जब भी अपने शहर में कोई ऐसे मेले वेले लगते हैं ना तो जाना चाहिए, है ना, जाना चाहिए, देखना चाहिए, कुछ खरीदना चाहिए, है। तो विनोद लेने वाले मेले से जीन्स। वैसे नॉर्मली ना मेले में जितने प्रकार की दुकानें लगती है उतनी सारी लगी हुई है, स्पेस कम है लेकिन दुकानें ए टू जेड सारी लगी हुई है। ये देखो क्रॉकरी वगैरह भी है सामने पे। बाद मेला हम लोग घूम लिए, बाकी तो ऐसा कुछ खास हमें दिखाने की जो हम खरीदे, तो हम लोग निकल गए हैं बाहर को और अभी चलते हैं हम घर को, फोटो खींचो मेरी एक। तो उसके बाद हम लोग आए एक बार ऊपर, मैंने एक दो वीडियो बनवा ली विनोद से, तो विनोद अभी स्कूटी लेके आ रहे आगे से ऊपर चंडाक जाने वाली रोड पे हम लोग रुके थे, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मार्केट को क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेना है खासू के लिए और विनोद के लिए। अभी चलेंगे हम पहले मार्केट, मार्केट से लेंगे सामान, उसके बाद फिर चलेंगे हम घर को। और कल है विनोद का बर्थडे 10th अगस्त को, और ये वाला ब्लॉग तो ऑब्वियसली मैं कल डालूंगी, तो नेक्स्ट डे विनोद का बर्थडे वाला ब्लॉग आएगा। तो ठीक है अभी चलेंगे हम घर को। पहुंच गए अभी मार्केट में, जो भी सामान लेना वो खरीदते हैं। अभी जा रहे हम गाड़ी लगा के नीचे को, ये गांधी चौक में, और मौसम भी थोड़ा खराब सा हो गया, बारिश आने जैसा, काले बादल लग गए। तो मैं कह रही थी बारिश आने वाली है और बारिश आ गई। जिम जिम। तो हम लोग देख रहे विनोद के लिए कपड़े, और वैसे ज्यादातर हम भैया के यहीं से देखते हैं, ये ब्लैक जीन्स और ये चेक वाली शर्ट अच्छी लग रही है। फिर शॉर्ट है ना ये, इसको ऐसे ऐसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहुंच गई हूँ घर, और घर पहुंचने के बाद मैंने कर दिया चेंज, और बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा खास सामान तो हम लेके नहीं आए, बस विनोद के लिए एक जीन्स लिया, कासू के लिए एक शूज, और हम पहुंच गए घर। मौसम अभी ठीक है, बारिश रुकी हुई है, हीरा खिड़की से भी हो। अभी करती हूँ थोड़ा रेस्ट, आँखों में दर्द हो जा रही है आजकल, पता नहीं क्यों, मतलब मेरी आँखों में ना जलन टाइप की हो जा रही है, और मेरी ये जूड़े में मैंने वो लगाए थे फूल, फूल क्या खास वो वैसे ही है, खोल देती हूँ उसको, ये बड़े अच्छे लगते हैं, पता नहीं कौन सा घास है ये जूड़े में लगाने के लिए ना बहुत सही चीज़ है ये, मुझे नहीं पता, किसको पता हो तो प्लीज़ नाम बता देना इस घास का, हमारे पहाड़ों में बहुत होता ही है। तो मैंने ना अभी ना अपनी सूट चेंज कर दी, पूरे ये रेड होके ना ऐसे पूरे दाने वाने हो गए हैं, पता नहीं उस सूट में क्या लगा था, जिस टाइम मैंने सुबह नहाया ना जाने से पहले उस टाइम भी मेरे को ऐसा ही हो गया था, फिर मैंने चेंज करा तो थोड़ा ठीक हो गया था, जैसे घर आके मैंने वापस वही सूट पहनी, मैं लाल दाने खुजली खुजली हो गई, कीड़ा लगा होगा कपड़ों में। अभी कर दिया मैंने चेंज, और अभी जाना एक बार भरकटिया, क्योंकि भरकटा कुछ ऐसे सूरज वगैरह बनाने के लिए दे रखा था, तो उसे देखने के लिए जाना है कितना बना, क्या बना, कैसा बना करके। तो अभी हम जा रहे हैं विनोद में, चले चलो। तो जीन्स पे फिट करवाना था तो हम वो भी करवा के आएंगे, कहाँ से, चुंगी में, और वो भी दो दो काम हो जाएंगे हमारे। ये ना बहुत फेरवा हो गया आजकल, पता नहीं कहाँ कहाँ फेरीते रहती है, कहाँ से आई ये, और बारिश पता नहीं कैसी आ रही है, दो सेकंड के लिए आ रही है फिर बंद हो जा रही है, और दो सेकंड के लिए आ रही है फिर बंद हो जा रही है, अभी दो सेकंड के लिए और आई फिर बंद हो गई। अजीब सी बारिश आ रही है आजकल, बारिश के दिनों का ना यही होता है, कभी भी बारिश आ जाती है और कभी भी बंद हो जाती है। सुंदर सा फूल गेट के पास, तो अभी मैं बैठी हूँ खासू के साथ घर में आने के बाद, सूर्य तो मेरा अभी पूरा नहीं बना है, आधा ही वो रखा है, तो वो परसों कंप्लीट होगा। अभी मैं इसको खिला रही हूँ खाना, खड़ा हो जा, खड़ा हो के बाद स्टैंड अप,
हेलो। तो अभी खाएगी काशु खाना, ठीक है काशु? ओके मम्मा बोलो जोर से। ओके मम्मा। हो इतना गुस्से में प्यार से बोलो ओके मम्मा। ओके मम्मा। ऐसे नहीं है। ओके मम्मा। ओके मम्मा। खाना मैं खिलाऊंगी बाबा, तू क्यों खिलाएगा? सुने ना, गिलास से पीना सीख लिया है। पानी तो आजकल गिलास से ही पीती है, तो आज मैंने इसको दूध दिया। गिरेगा, गिराना मत। आज मैं दूध भी ट्राई करवा रही हूँ इसको गिलास से पिलाने। ज्योति गंदी बात हो। मम्मा वो गिर जाएगा, फिर टाइट से पकड़ो। मैं सोऊंगी कैसे फिर इस बिस्तर में? चलो हाँ पियो। बाय गॉड ओला, तो वीडियो इतनी ड्रामेबाज है ना, इतनी ड्रामेबाज है ना, मैं क्या बताऊं। इसकी हरकतें देखना। गिरना नहीं चाहिए दूध, थप्पड़ पड़ जाती है फिर। दूध पियो। खल्ली बदनाम कर रखा है, इतना भी कम मारा मैंने तेरे को। चूटी चूटी। चलो फिर पी दो, फिनिश कर दो बाबा, गुट गुट करके। हाँ गुट 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 गुट। भगवान जी फिर करेगा। भगवान जी पहले फिनिश करो बाबा, दूधी फिनिश करो। करके एक ही बार में फिनिश कर दो। अब नहीं पीना? नहीं पीना आप दूध? ठंडा ठंडा हो रहा है। ठंडा पीना और गम गम नहीं हो रहा है, झूठ मत बोल। कहाँ हो रहा है गम? तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और ढेर सारे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।